बड़ी खबर पप्पू यादव से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कुछ अज्ञात बदमाशों ने पप्पू यादव को धमकी दी है। पप्पू यादव ने मीडिया की टीम के साथ धमकी वाले कॉल के रिकॉर्डिंग को शेयर किया है और इस दरमियान धमकी देने वाला शख्स लगातार पप्पू यादव को फोन कॉल पर गालियां दे रहा है। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तुझे कच्चे चबा दिए ना, एक घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियां कुत्ते के लात कह दी। बता दे कि माना ये जा रहा है कि धमकी देने वाला शख्स लॉरेंस गैंग का आदमी हो सकता है। व्हाट्सएप पर शख्स का नाम अज्जू लॉरेंस लिखा हुआ है और इन सब के बीच पप्पू यादव को जब धमकी देने के लिए ये शख्स कॉल कर रहा था तो पप्पू ने फोन नहीं उठाया। इस बात से इस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब घूम कहाँ घूमेगा। तो प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले, हैं भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया है? अब फिर तेरी वही हरकत हो गई है, अच्छी वाली सलाह हो रही थी उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा कर पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं और ऐसे में अब पप्पू यादव को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सांसद को धमकी दे रहे हैं, क्या इनका कोई सीधा सरोकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है या नहीं। पटना से संवाददाता अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।